हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब सलाम, मैं हूं मुनीश और लेके आ गया हूं जी फिल्म रिव्यू ऑफ थप्पड़। थप्पड़ कहानी है अमृता यानी कि तापसी पन्नू की, जिसे चाहिए थी रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस। एक टिपिकल हाउसवाइफ की जो शादी के बाद अपने सारे शौक भुला के, सारी खुशियां भुला के अपने पति की खुशी में ही अपनी खुशी देखती है। अमृता के वैसे कोई सपने तो नहीं है, लेकिन अमृता और उसके हस्बैंड विक्रम यानी कि पवेल गुलाटी का एक सपना जरूर है टू गो टू लंदन। और एक दिन विक्रम को उसकी कंपनी से लंदन जाने का ऑफर आ जाता है, जिसके लिए घर पे 30-40 बंदों की पार्टी रखी जाती है। और पार्टी के दौरान उसे उसके बॉस का कॉल आता है कि लंदन जाकर उसे उसके जूनियर एक गोरे के अंडर काम करना पड़ेगा। इससे हो जाता है विक्रम बहुत ही नाराज और वहां पर मौजूद अपने कोलीग से करने लगता है बहस। और इसी बहसम बसाई में तापसी पन्नू को लग जाता है जोर से थप्पड़। ओए मैं कहां जा रहा हूँ, बस अब थप्पड़ पड़ा है तो गूंज तो सुनाई देगी ही देगी। इस थप्पड़ के बाद अमृता का घर छोड़ के चले जाना, विक्रम का बार बार मनाना, डिवोर्स तक की नौबत आना, फिर क्या डिवोर्स मिल पाना। अरे खुद भी कुछ देख लो ना सिनेमा हॉल जाके, सारी कहानी मेरे से सुनोगे क्या। फिल्म की स्टार्टिंग के 10 मिनट ऐसा लगता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना भैया, अपने साथ ग्रिप कर लेती है, बहुत जोरदार ग्रिप करती है। थप्पड़ के बाद तो एकदम बिंदास, यानी कि कहानी अपने साथ बनाए रखती है। डायरेक्टर अनुभव सेना ने लगता है अपना सारा अनुभव इस फिल्म में डाल दिया हो। नाइस जॉब, वेल डन अनुभव भाई। भैया एक्ट्रेस बहुत सारे हैं तो मैं थोड़ा कैमरा घुमाते घुमाते एक्ट्रेस के बारे में बताता हूँ। रत्ना पाठक शाह और कुमुद मिश्रा का माँ बाप का किरदार, तन्वी आजमी का सास का किरदार, दिया मिर्जा का पड़ोसन का किरदार, राम कपूर वकील का किरदार, निधि उत्तम, मानव कॉल, ग्रेस गोस्वामी, बाप रे। इस फिल्म में इतने सितारे हैं, पर इस फिल्म की हीरोइन, हीरो, नेगेटिव लीड, पॉजिटिव लीड, फिर बहू बहन, सब एक ही है, अमृता 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 तापसी पन्नू। यानी कि ऑसम, सुपर्ब, अमेजिंग यार। मतलब फिल्म में ना और भी बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यार ध्यान तापसी पन्नू पे ही टिक जाता है, क्योंकि मैडम यू हैव परफॉर्म्ड सुपर्ब। और इनके बाद अगर किसी पे ध्यान जाता है तो इनका पति यानी कि विक्रम, उन्होंने बहुत बढ़िया किरदार निभाया है। बाकी सब ने भी बहुत अमेजिंग किरदार निभाया है। दिया मिर्जा की बात करेंगे, दिया मिर्जा के लिए इस फिल्म में ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, दिया मिर्जा की रिप्लेसमेंट हो सकती थी किसी और हीरोइन के साथ, क्योंकि दिया मिर्जा का बहुत बड़ा हो रहा है, तो दिया मिर्जा को मेरे को लगता है कि यहाँ पर बेस्ट किया गया है इस फिल्म में। एनीवेज ये फिल्म, यही कहना चाहूँगा, फिल्म बनी है समझदार ऑडियंस के लिए। मेट्रो सिटीज़ के लोगों को खूब पसंद आएगी ये फिल्म। मेट्रो सिटीज़ के अलावा जो छोटे शहर हैं वहाँ पर एक थप्पड़ के बाद इतने कलेश होने की कहानी शायद बच ना पाए। इन शॉर्ट ये फिल्म बनी है मेट्रो सिटी के लोगों के लिए, एजुकेटेड लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, और स्पेशली वो जो पति अपने बीवियों पर हाथ उठाते हैं ना, उन पतियों को रोकने के लिए। शायद इस फिल्म को देखने के बाद कई पति रुक जाएंगे हाथ उठाने से। और उन लोगों के लिए बनी है जो लॉयर्स हैं या फिर कोर्ट रूम में फैमिली केसेस झेल रहे हैं, समझ रहे हैं कई महीनों से, कई सालों से, तो उनको भी ये फिल्म अच्छी लगेगी। ओवरऑल मुझे तो बहुत ही एंटरटेनिंग लगी। और भैया मैंने लास्ट टाइम थिएटर में ब्लॉगिंग रिव्यू दिया था, और इस बार मेरे को भैया कहते हैं ना कि आप लोग ही समझा दो, तो लोगों ने बोला कि यार सिर्फ फिल्म के बारे में बताओ और साथ ही साथ थोड़े स्टार भी दे दिया करो, ताकि हमें पता लग जाए कि फिल्म कितने स्टार डिजर्व करती है। तो मैं वैसे स्टार देने वाला कोई होता नहीं हूँ, लेकिन आप ही की डिमांड पे मैं देता हूँ यार इसको 4 out of 5, यानी कि 4 स्टार। एक नंबर इसीलिए काटा क्योंकि यार फिल्म में थोड़ी थोड़ी बीच में स्लो भी हो जाती है, बट ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव रहा। तापसी स्पेशली ये फिल्म आपको डिजर्व होती है और आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो ये फिल्म मस्ट वॉच है। आप जाओ यार ये फिल्म देखो और बताओ यार आपको भी कैसी लगी। तो आज के मूवी रिव्यू में इतना ही, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। छोटा सा रिव्यू है, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया हूँ, जो जो समझ आती है वो चीज़ें सारी आपको समझा पाया हूँ। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जुड़े रहिए बज़ूका वर्ल्ड के साथ।